Hello students, today I am going to discuss about the functional aspect of juxtaglomerular apparatus. Okay, so in the juxtaglomerular apparatus, hum dekhte hain ki there is presence of the glomerulus, along with it there is presence of the JG cells which secrete renin, and saath mein yahan pe Lacy cells hain which help these JG cells to secrete renin into the bloodstream. और साथ में यहाँ पे क्या है, देर इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डीसीटी दिखा रखा है यहाँ पे, ये है डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और इसमें क्या है, देर इज स्पेशल स्पॉट इज प्रेजेंट, ग्रुप ऑफ सेल्स इज देयर दैट इज कॉल्ड मैक्यूला डेंसा, एंड दैट इज डिटेक्टिंग द चेंज इन द NaCl कंसेंट्रेशन इन द नेफ्री फिल्ट्रेट ऑफ द डीसीटी. क्लियर? तो इसके बारे में हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने जस्ट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को पढ़ना है. ठीक है, तो जब फंक्शनल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक अलग से टॉपिक आ जाता है हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम रास कहते हैं, RAAS रास कह देते हैं इसको. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है एंड हाउ दैट इज इन्वॉल्व इन द परफॉर्मिंग द ऑटो रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ द दिस नेफ्रॉन रिगार्डिंग द दिस रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब भी वेन एवर देर इज डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहां पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो यहां पर क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन के आता है. जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन के आता है उसका एक पर्टिकुलर रेट होता है कि दैट इज 125 ml पर मिनट के हिसाब से हमारी जो दोनों किडनीज हैं वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट को बनाती हैं. ठीक है, क्लियर? तो ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है. ठीक है, कभी ये कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो उसको क्या है, कॉन्स्टेंट मेंटेन करना या उसको रेगुलेट करना ताकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दिस फिल्ट्रेट बनता रहे बाय द किडनीज. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, ये अपरेटस काम करता है. क्लियर, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज परफॉर्मिंग द ऑटो रेगुलेटिव एक्टिविटी ऑफ द दिस नेफ्रॉन टू रेगुलेट दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखें यहां पे क्या है कि वेन एवर देर इज डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर नॉर्मल से कम हो रहा है, इस वैल्यू से कम हो रहा है, और ये कब कम होगा, वेन एवर देर इज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, फिल्ट्रेशन रेट कम होना स्टार्ट हो जाता है. अब ब्लड प्रेशर कब कम होगा, वेन एवर देर इज डिक्रीज इन द NaCl कॉन्टेंट और देर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम कॉन्टेंट. ठीक है, क्लियर? तो वो स्टिमुलस बन जाते हैं फॉर द दिस डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा तो देर इज अ डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो इसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए किडनी खुद ही काम कर रही होती है, हमारे जो नेफ्रॉन है किडनी में, ये खुद ही उसको रेगुलेट करने में, उसको इंक्रीज करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो वेन एवर देर इज अ डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, व्हाट हैपेंस इन द डीसीटी, इन द डीसीटी देर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्यूला डेंसा. ये मैक्यूलर डेंसर जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, एक्टिवेट कैसे होगा, वेन एवर यहां पे ये रेट कम हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, तो आगे को जो फ्लो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट का वो डिक्रीज करता है और असेंडिंग लिम्बल लूप ऑफ हेले है, वहां से NaCl का अब्सॉर्प्शन बढ़ता है, ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो भी यहां पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आएगा दैट इज हैविंग अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, क्लियर? जब यहाँ पे NaCl कंटेंट कम होता है तो मैक्यूला डेंसा जो होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो मैक्यूला डेंसा इट इज डिटेक्टिंग द डिक्रीज इन द NaCl कंटेंट इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऑफ द डीसीटी, उसको उसने डिटेक्ट कर लिया. क्लियर, जैसे इसने इसको डिटेक्ट किया तो ये क्या है, इन सेल्स को, ये साथ में जो सेल प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज द Lacy सेल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स. ठीक है, इन सेल्स की हेल्प से जो यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल की वॉल में ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं कॉल्ड है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं. क्लियर, और ये फिर कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं. तो यहां पे हम देखें
कि जैसे यहाँ पे ये मैक्यूलोडेंसा एक्टिवेट होता है, एक तो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है कि दैट लीड टू द वैसोडाइलेशन, जो एफ्रेंट आर्टेरियोल है ठीक है, इसकी वो डायलेशन कर देगा ताकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिस मैक्यूलर डेंसा दैट इज गिविंग सिग्नल फॉर द एफ्रेंट आर्टेरियोल टू रिलैक्स, ठीक है, तो कॉजिंग द वैसोडाइलेशन ऑफ द एफ्रेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, एंड उसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो देयर इज इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड देयर इज इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में कम हो रहा था किडनी वो खुद ही या नेफ्रॉन खुद ही उसको इंक्रीज करने में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम देखें ये वाला एक्टिविटी भी परफॉर्म होता है कि जब भी क्या है ये मैक्यूलर डेंसा के सेल एक्टिवेट होते हैं तो ये इन लेसी सेल्स की हेल्प से क्या है इन जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, एक्टिवेटिंग द जेजी सेल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लेसी सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रेनिन, ठीक है, RENIN, रेनिन, ठीक है, क्लियर। तो ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है कहां पे रिलीज होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा, अब ब्लड में सर्कुलेट करता है, ठीक है, अब ब्लड में किस पे अटैक करेगा, किसके ऊपर ये काम करेगा ताकि आगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। तो ऑलरेडी क्या है हमारे ब्लड में एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन होती है जो कि लिवर में ऑलरेडी प्रोड्यूस की होती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन, क्लियर। तो GEN लास्ट में लगा है वो एक इंडिकेशन देता है कि दैट इज इनएक्टिव फॉर्म है, क्लियर। कहां से प्रोड्यूस हो रही है, लिवर से प्रोड्यूस होकर आई होती है जो कि ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है, क्लियर। तो यहां पे जब रेनिन रिलीज होगा तब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है। तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलीज ऑफ द रेनिन बाय द जेजी सेल्स ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये अब बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, और उसके थ्रू जो जाता है लंग्स में, तो इन द लंग्स इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्लियर। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो बन जाता है अब ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता हुआ, ठीक है, दैट इज रीचिंग अप टू किडनी, किडनी में आता है, यहाँ पे एफ्रेंट आर्टेरियोल की वॉल्स में जो मसल्स होती है स्मूथ मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ठीक है, तो इट कॉज द वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफ्रेंट आर्टेरियोल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, ठीक है, क्लियर। एंड दिस लीड टू द यहाँ पे या कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे क्या है रेसिस्टेंस फॉर द ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था अल्टीमेटली वो इंक्रीज किया जा रहा है बाय दिस अपरेटस बाय दिस सिस्टम, ठीक है। एक तो इंपैक्ट ये आ गया, साथ में एक और काम भी हो रहा है, दैट इज एंजियोटेंसिन 2, इसका एक और रोल होता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होती है सुपीरियर साइड ऑफ द किडनी, दैट इज एक्टिवेटेड टू सिक्रीट ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, ठीक है, क्लियर। तो जैसे हम देखते हैं कि सिस्टम का नाम रखा ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो रेनिन आपके पास ये आ गया, उसके बाद एंजियोटेंसिन आ गया, उसके बाद एल्डोस्टेरोन आ गया। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन जो है यहां पे हम देखें जो एल्डोस्टेरोन है दिस वन एल्डोस्टेरोन दिस इज एक्टिंग ऑन द एल्डोस्टेरोन दिस इज एक्टिंग ऑन दिस डीसीटी पार्ट and connecting tubule part of the nephron, ये DCT part and connecting tubule part of the nephron वहां पे attack करेगा aldosterone hormone and this is stimulating the reabsorption of NaCl, ठीक है।
तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl ठीक है एंड वाटर को स्टिमुलेट करता है, इसको प्रमोट करेगा डीसीटी से। तो यहां से क्या है, एक तो NaCl रीअब्जॉर्ब होके आ जाएगा, ठीक है। अब NaCl रीअब्जॉर्ब होके आएगा, दैट इज गोइंग इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड देन इनटू द ब्लड प्लाज्मा, तो दैट इज इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है यहां पे, दैट लीड टू द इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको इंक्रीज करने में इन्वॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहां से वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है, तो दिस वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज इन द दिस ब्लड प्रेशर एंड फर्दर हेल्प इन द इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्लियर। तो हम देखते हैं यहां पे जो रास सिस्टम है, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम है, ये कैसे किडनी के जो फंक्शन है, दैट इज जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको रेगुलेट करता है, कि अगर वो कम हो गया है तो उसको इंक्रीज कर दो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे जो ये सिस्टम है, दैट इज स्ट्रक्चरली देखें तो इट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, और फंक्शनली हम देखें तो ये एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बन जाता है, एक हार्मोन का सिस्टम बन जाता है जिसके थ्रू किडनी का फंक्शन रेगुलेट होता है। किडनी का जो एक मेन फंक्शन है, दैट इज कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए पर यूनिट टाइम के हिसाब से, क्लियर, उसको रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है, जिसमें क्या है कि कैसे यहाँ पे ये GFR जो कम हो गया अल्टीमेटली कैसे वो इंक्रीज हो रहा है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जो एक्सक्रीट हो रहा है किसके इन्फ्लुएंस में, एंजियोटेंसिन 2 के इन्फ्लुएंस में, ये जो बना ये किसके इन्फ्लुएंस में बना, रेनिन के इन्फ्लुएंस में बना, और इसको किसने प्रोड्यूस किया, जेजी सेल ने एक्सक्रीट किया, इसको एक्टिवेट करने में मैक्यूलर डेंसा का रोल आ गया, क्लियर, और ये कब एक्टिवेट हुए, व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द GFR, क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे किडनी जो है अपने फंक्शन को रेगुलेट करती है। ओके बेटा, तो अब इस ये टॉपिक मैं खत्म करता हूं, ठीक है। अगली बार हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे रिगार्डिंग द अनदर रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन रिगार्डिंग द किडनी फंक्शन। ओके बेटा, थैंक यू।